या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? इज इट वर्किंग फाइन? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके ठीक, थोड़ा सा यूट्यूब के क्लास में इश्यू रहता है। चलिए वेलकम एवरीवन, हम लोग बात को शुरू करते हैं। कल जहां पे रोका था वहां से कल हमने लास्ट इश्यू किया था, फेनी ब्रिज वाला। के बाद बात ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कंफर्मिंग दैट एवरीथिंग इज क्लियर। आ जाइए जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग जो आ रहे हैं, और फिर फोकस करिए क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको लगातार इकोनॉमी में अलग अलग संदर्भों में आप देख रहे होंगे, ये डेफिनेटली एक एस्पेक्ट बनता है। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया जाता है इस हिसाब से कि वो ड्यूरेबल हो, उनकी लाइफ हो, वो रीयूज हो सके, वो रिसाइक्लेबल हो, और जो भी चीज उस वस्तु को बनाने के लिए लगभग यूज हुई है उस सब को हम रिसाइकिल रीयूज कर सके, इसको क्या किया कहा क्या कहा जाता है? ये पूरा कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का बहुत प्रोमिनेंस इसको आपने देखी होगी। जो आंसर आ रहे हैं उसमें अवनीश भी कह रहे हैं, अमित साहब भी कह रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी, और अमित त्रिपाठी ये कह रहे हैं रीसाइकिल इकोनॉमी, रौनक भी कह रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो दैट्स गुड कि ज्यादातर लोगों को, राजा भी कह रहे हैं, रोहित भी कह रहे हैं, सही जवाब सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंस इसको आपने देखा होगा लगातार अलग अलग लेवल्स पर सर्कुलर इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा क्या होती है सर्कुलर इकोनॉमी, और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। ठीक है, मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को भी ध्यान रखते हुए बातों को समझना है। सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया जाता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, ड्यूरेबिलिटी हो, रीयूजेबल हो, रिसाइक्लेबल हो, और जो भी चीज उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जिसको यूज किया जाता है उसमें 3 R's इंपॉर्टेंट हैं, रीयूज, री मैन्युफैक्चर और रीसाइकल। ठीक है, और प्रभावशाली संसाधनों का उपयोग करके, संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग करके अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को थोड़ा सा और जीवंत और सकारात्मक बनाना, ये सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य है। इसमें 3 R's इंपॉर्टेंट हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, तो 3 R's। और इसके अलावा रिफर्बिशमेंट, रिकवर और रिपेयरिंग ऑफ मटेरियल। और अगर एक किसी बहुत बड़ी कंपनी की बात करें तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है, बहुत ज्यादा यूज करती है इस प्रिंसिपल का। और एप्पल के जो भी फोन आप नए नए मॉडल्स लेते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो पुराने, वो जो वापस लेते हैं एप्पल के, यहाँ तो नहीं है US वगैरह में, देर आर जैसे ATM मशीन्स होती हैं, उस तरह की मशीन्स होती हैं जहाँ पे जाके आप अपने पुराने आईफोन को डालिए उसमें और वो इसकी एक वैल्यू दिखा देगा इफ यू वांट इट, तो एप्पल खुद उसको रिपर्चेस करता है। तो इस तरह से एक पूरी चीज है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप सर्कुलर इकोनॉमी को समझ सकते हैं कि अगर कोई, इफ अ पर्सन इज प्लानिंग टू डिस्कार्ड, अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फोन को डिस्कार्ड करना चाहता है, जी भर गया और नया फोन लेना है टाइप्स, तो वो किसी को दे सकता है? कोई जरूरतमंद आदमी जो आपसे कमजोर हो सामाजिक आर्थिक तौर पर और उसको लगता हो कि कब साहेब ये मुझे अपना फोन दे दें? ठीक है, तो एक तो वो चीज है, वो तो सबसे अच्छा है क्योंकि वो फोन की तरह ही उसका उपयोग करेगा, तो पूरा प्रोडक्ट ही यूजेबल है। वो नहीं है तो फिर ओवरऑल आप उस फोन में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे एल्यूमिनियम बॉडी, मैं आईफोन की बात कर रहा था या आईपैड्स की बात कर रहा था या मैकबुक्स की बात कर रहा था, तो एल्यूमिनियम बॉडी होती है, ठीक
या कॉपर है, प्लास्टिक है, इसके अलावा भी उसमें बहुत अंदर सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब भी इम्पोर्टेंट सर्किट्स वगैरह में यूज होते हैं, तो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ये पूरा इकोनॉमी का संदर्भ कहलाता है सर्कुलर इकोनॉमी, नॉट रिसाइकल इकोनॉमी। अमित शाह, अमित त्रिपाठी, याद रखना भाई, हमारे सवाल बहुत गलत हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? चलो अगला सवाल। भारत में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, MMLP, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक्स भी बहुत बड़ा थीम है प्रीलिम्स के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये कहां पर, किस राज्य में इसको स्थापित किया जा रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अर्चना ने शायद शुरुआत करी है या अमृता ने, मुझे पता नहीं, क्वेश्चन नंबर आगे जरूर लिखिए, मैं बार बार इसीलिए आपसे कहता हूं। तो अर्चना ये कह रही है, नीरज भी कह रहे हैं, अमृता भी कह रही है, अमनेश भी, अमित कुमार साहब भी, सब लोग बी 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 बी, रजनीश दुबे ए, रिटी शुक्ला बी, ए और बी के बीच में सर फंसा हुआ है, सबको लग रहा है गुजराती होगा, क्रांतिकारी राज्य, ठीक है? देखिएगा MMLP और इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उसको देखिएगा। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे हैं, बड़े महामना, बहुत ही चर्चित हमारे मंत्री गडकरी साहब, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला रखी इस देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की, जोगी घोपा, जो कि असम में है, गुजरात में नहीं है, असम में इसकी स्थापना की जा रही है। तो ए आंसर सही था, इसको भारत माला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। भारत माला परियोजना एक शीर्षस्थ अम्ब्रेला प्रोग्राम है हाईवे सेक्टर में, जिसको कि ये सड़क परिवहन और हाईवेज जो मिनिस्ट्री है वो चला रही है। सड़कों पर कंजेशन को, भीड़भाड़ को, ट्रैफिक को, और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं उनमें लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब ये जो सारा मतलब वस्तुओं का जो मूवमेंट होता है उसका जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन, तो लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, रिड्यूस करा जा सके कॉस्ट जो लॉजिस्टिक्स में लगती है, खासतौर से जो वस्तुओं के मूवमेंट में लगती है। 35 लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है जहां पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होगा, और नेशनल हाईवे 17 जो कि बहुत प्रोमिनेंट हाईवे है नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से, उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए ये जोगी होपा वाटरवे टर्मिनल है ब्रह्मपुत्र नदी पर, वहां से इसको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को कनेक्टिविटी दी गई है। तो सड़क, रेल, समुद्र, नदी, परिवहन, सबका मिलाकर तभी उसका नाम मल्टी मॉडल है, ठीक है? तो लॉजिस्टिक्स यहाँ डेवलप किया जा रहा है, बाकी फिर देश में अलग अलग स्थानों पर इसको बनाया जाएगा। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में वेयर हाउस होंगे जिसमें सामान रखा जाता है, रेलवे साइडिंग जहां से रेलवे से जब सामान आता है उसको पूरा ट्रांसपोर्टेशन उसको शिफ्ट किया जाता है, कोल्ड स्टोरेजेस होंगे, कस्टम क्लियरेंस हाउस होंगे, यार्ड फैसिलिटी होगी, वर्कशॉप होंगे, पेट्रोल पंप्स, ट्रक पार्किंग एंड व्हाट नॉट, ये सारा आधार है कि क्या क्या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में आपको दिखेगा। तो MMLP का कॉन्सेप्ट कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको GS मेंस में, ठीक है, फर्स्ट पेपर में या इकोनॉमी में थर्ड पेपर में कहीं पर भी पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कबरताल वेटलैंड, हालिया समय में इसको रामसार साइट के तौर पर चिन्हित किया गया, कि कहां पर स्थापित है, क्वेश्चन इजी है, इतने इजी प्रोबेबली नहीं आएंगे, लेकिन क्या करें, आप लोगों को सब आसान आसानी पसंद है, तो थोड़ा मैं, हालांकि मैं कितना भी गिरूंगा उनके बराबर तो नहीं गिर पाऊंगा जहां आप लोग भीड़ लगाते हैं, फिर भी करिए। कबरताल वेटलैंड रामसार साइट अनाउंस हुआ है, कहां पर है? क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आगे जरूर लिखिएगा प्लीज। अवनीश ने ए से शुरू किया है, बिहार के बेगूसराय में, राजा भी ए कह रहे हैं, मोहम्मद आरिफ बी, स्नेहा गुप्ता ए, नीरज भारद्वाज ए, दीपक भी ए, अमित शाह ए, सब लोग ए। ठीक है, अच्छी बात है, ज्यादातर तो लोग आप में से जानते हैं विषय को, देखिएगा थोड़ा। तो हालिया समय में कबरताल वेटलैंड बिहार में और आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड में है, दूसरी चीज एक पता होनी चाहिए, इनको रामसार साइट्स के तौर पर ओवरऑल डेजिग्नेट किया गया है और ये वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो गए। रामसार साइट बनते ही जो भी वेटलैंड्स हैं उनका एक अंतरराष्ट्रीय महत्व स्थापित हो जाता है। 2020 में इससे पहले भारत में 10 वेटलैंड्स को रामसार साइट की तरह नॉमिनेट किया गया था और 27 से बढ़कर टोटल रामसार साइट्स इंडिया में 37 हो गए थे। अब दो और इंक्लूजन्स हो के बाद भारत में रामसार साइट्स कितने हो गई हैं? 39, और जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक हैं। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। टोटल रामसार साइट भारत में हो गई 39, जो कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। कबरताल वेटलैंड के ऊपर अलग से प्रश्न आ सकता है, इसको कंवर झील की तरह भी स्थानीय जो लोकल जो डायलेक्ट है उसमें ओवरऑल कंवर झील नाम से इसको जाना जाता है। 2620 हेक्टेयर जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, उसमें ये पड़ता है और ये बहुत बड़ा रोल एक फ्लड बफर, बाढ़ का जो प्रभाव है उसको रोकने में, ठीक है, तो ये बफर की तरह काम करता है। तो इसका सीधे तौर पर सामाजिक आर्थिक महत्व भी काफी इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा। काफी विस्तृत जैव विविधता यहाँ पर कबरताल क्षेत्र में आपको दिखेगी, 165 प्लांट स्पीशीज और करीब 394 एनिमल स्पीशीज यहाँ पर मिलेंगी, जिसमें 221 बर्ड स्पीशीज हैं, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट ओवरऑल यहाँ पर बात बन गई है। इट इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल साइट फॉर फिश बायोडाइवर्सिटी विद ओवर 50 स्पीशीज डॉक्यूमेंटेड, और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, कभी भी इस तरह की जो इम्पोर्टेंट जो भी ओवरऑल सिक्योर एरिया होता है वहां पर आपको दिखेगा कि जो भी वहां की कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल इस तरह की साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर 5 ऐसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें 3 वल्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ट वल्चर और इंडियन वल्चर, ये 3 वल्चर्स हैं, और 2 वाटर बर्ड्स हैं जिसमें लैपविंग और बेयर स्पोकार्ड। ये 5 ऐसी स्पीशीज जिसमें 3 वल्चर की और 2 ओवरऑल इसकी, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ये भी एक चीज है यहाँ पर मेजर कर सकते। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि 42 हो गई है, एक्चुअली मैं अभी 2020 के सारे इवेंट्स जो हैं उसको समराइज करा रहा हूँ, तो ये जनवरी ऑनवर्ड्स, ये प्रोबेबली 3-4 क्लास के बाद हम इसको शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे इवेंट्स में कैप्चर करता चलूंगा तो उसको हम अपडेट करते चलेंगे, ठीक है, तो हम टाइम स्पेसिफिक उसमें चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला सवाल देखिएगा, इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट, ये ऐसी चीजें हैं जो लगातार समय के साथ, अब आज हम 42 बात कर रहे हैं, कल कोई और अनाउंस हो जाए तो 43 हो जाएगी, ठीक है, बट दैट्स गुड कि आप लोग इतना अपडेटेड हैं पूरा। हिमालयन ब्राउन बियर्स न्यूज में थे, ये IUCN की रेड लिस्ट में, रेड डेटा बुक में, इनमें से क्या ओवरऑल इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जवाब आया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड ए से शुरू हुआ है मामला। युवराज, युवराज क्वेश्चन नंबर और आगे ऑप्शन लिखा करो बेटा। नमस्ते राघव, अर्चना भी कह रही हैं मतलब एंडेंजर्ड, नीरज ए कह रहे हैं, रौनक भी कह रहे हैं,
अमृता सी, पूजा बी, अवनीश ए, अमित बी ए, राघव बी। चलिए ए और बी के बीच में थोड़ा सा, कहीं पढ़ा भी होगा आपने तो स्वाभाविक है कि एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में मामला फंस जाए। आंसर ए है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हिमालयन ब्राउन बियर्स ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हिमालयन ब्राउन बियर्स के बारे में जानते हैं। इसको हिमालयन रेड बियर, इसाबेलाइन बियर या जू नाम से भी जाना जाता है। और ये बेसिकली ब्राउन बियर जो कि पॉपुलर स्पीशी है उसका सब स्पीशी है। ये जो बियर हैं ये लार्जेस्ट मैमल्स हैं हिमालयन रीजन में, और पुरुष जो इसमें हैं वो 2.2 मीटर्स लंबे होते हैं, फीमेल्स थोड़ा सा इनसे कम आकार की होती है। तो ये अपने स्पेशली बियर की ये स्पीशी जो है ये अपनी साइज के हिसाब से लार्जेस्ट मैमल है, तो इस वजह से काफी एनिमल जो पूरा किंगडम है उसमें इनका एक अलग वो है। नेचर के हिसाब से ओमनिवोरस हैं, हाइबरनेट करते हैं अपनी गुफा में शीतकालीन समय में विंटर में, और 23 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उत्तरी भारतीय जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल प्रमुखतः ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां पर आप इनको लोकेट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में खासतौर से सुरू, तांस्कर, द्रास और कारगिल क्षेत्र में, लद्दाख के आपको ये मिलेंगे। और जो सवाल था कि IUCN की सूची में इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लेवल पर आप देखेंगे, दैट वाज द इशू। चलिए एक विवाद प्लस थोड़ा सा प्रोग्राम्स के हिसाब से, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट समाचारों में रहा है, किस नदी पर इनमें से स्थापित है? कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा, सिल्वर पेन ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बी कृष्णा रिवर, दिलीप भी बी, दीपक भी सॉरी बी, अजीत ए, गोदावरी, अमित शाह बी, अर्चना बी, प्रीति शुक्ला डी, अवनीश कुमार बी, राघव ए, रौनक बी, नीरज ए, ममता बी, युवराज कृष्णा सी। चलिए थोड़ा सा देखने की जरूरत है, कलेश्वरम काफी न्यूज में था, काफी कंट्रोवर्सी है इंटर स्टेट ओवरऑल वाटर एस्पेक्ट को लेकर। इज इट वर्किंग फाइन, मैं स्टक तो नहीं हो गया? इज इट वीडियो इज मूविंग, दिक्कत तो नहीं है कोई? चल तो कलेश्वरम इसका आंसर ए था, ठीक है? तो ए था, ये एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज सिंचाई परियोजना है गोदावरी रिवर पे कलेश्वरम एरिया में तेलंगाना में। 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो वहां से दोनों के बीच, दोनों स्टेट्स के बीच कई इश्यूज पर कॉन्फ्लिक्ट है, उसी में एक कॉन्फ्लिक्ट आपको कलेश्वरम दिखेगा। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, जो प्रणहिता रिवर है और गोदावरी रिवर है, इनका जो मर्जर है कॉन्फ्लुएंस, जहां से वहां से ये प्रोजेक्ट को करा गया है। शुरू में इस प्रोजेक्ट को डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रणहिता चिवेला सुजला स्रवंती प्रोजेक्ट नाम दिया गया था, भारी भरकम नाम, और ये पूर्व आंध्र प्रदेश जब राज्य था खाली वहां पर था, और उसके बाद इसको रीडिजाइन किया गया, एक्सटेंड किया गया और तेलंगाना ने इसको कालेश्वरम प्रोजेक्ट नाम से 2014 में ओवरऑल इसको, इसके बाद से ये आगे बढ़ा। तो इस तरह
ये दोनों राज्यों के बीच एक विवाद का मुद्दा है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है नदी, कौन सी है। छोटे छोटे एस्पेक्ट्स भी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको देखना चाहिए। इन भारतीय शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लगाना है। ध्यान से करिएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व वैसे भी है ना, करंट क्या, ये तो सदाबहार है। तो आइजोल, दिसपुर, ईटानगर, इम्फाल, जल्दी से, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, उत्तर से दक्षिण। कल आप कह रहे थे नॉर्थ टू साउथ दिया करिए, तो नॉर्थ टू साउथ आ गया। जल्दी से करिए, चीटिंग मत करिएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ कौन आपकी रैंक और क्या देख रहा है, नहीं भी आता हो तो थोड़ा कॉमन सेंस, मैं वही कहता हूं, 50 मिनट साथ में मेरे रहो तो 50 मिनट को जियो, बाकी तो नाटक नौटंकी बहुत है। समय व्यर्थ करना हो, जिस नॉन सीरियस लोग हों एकदम ना आया करें, कोई यहाँ संख्या का कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना। कर लो जितना नाटक नौटंकी करनी है, कभी अगर सीरियसली एग्जाम दोगे तो फिर हमारे जैसे लोगों को ही ढूंढते हुए कहीं पहुंचना पड़ेगा। आइजोल, दिसपुर, ईटानगर, इम्फाल, तेजी से भाग गया भाई। सिल्वर पेन आंसर क्या है? 6 आपने खाली लिख दिया। अमृता सी कह रही है, क्वेश्चन नंबर आगे प्लीज लिखिए जरूर। सिल्वर डी कह रहे हैं, डी, प्रीति शुक्ला बी, अमृता सी, अमित बी, रोहित बी, रौनक बी, अजीत बी, नीरज बी, राजा, सब लोग बी। इतना यूनिफॉर्म आंसर गड़बड़ संदेह उत्पन्न करता है। खैर, मैं भरोसा करता हूं भाई आपकी, आप अपने प्रति ईमानदार होंगे कम से कम। देखिए, इसमें बेसिकली दो में तो बहुत आसान था, आप कम से कम उत्तर पूर्व में, आप ये तो इतना तो स्मरण रहेगा कि भाई अरुणाचल ऊपर है कि असम ऊपर है ना। और ये तो अब आईएएस में बताने की जरूरत नहीं है कि भाई राजधानियां कम से कम आपको पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और प्रोबेबली थोड़ा हमें इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नेचर के क्वेश्चंस भी टाइम उसमें आ जाते हैं। देखिएगा, कम से कम स्टेट्स को अगर आप मेजर करते तो देखिए ये है स्थिति, ठीक है। अरुणाचल, ईटानगर, दिसपुर, असम, ठीक है, इम्फाल, मणिपुर, आइजोल, मिजोरम, इसी में ईस्ट टू वेस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस कैन बी डिफिकल्ट, ईस्ट टू वेस्ट शायद बहुत डिफिकल्ट होता अगर नॉर्थ टू साउथ में ये स्थिति है। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मैप वैप अब टाइम है ना, लग के भैया कर लो, बाकी सब चक्कर में ना पड़ो। इंडिया ईयर बुक समरी कराए दे रहे हैं, जो भी है, थोड़ा सा जो चीजें बिल्कुल स्थापित हैं है ना, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब यही नहीं अगर हम सही कर रहे हैं तो फिर इंडिया ईयर बुक हम क्या कर पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट कम्स फर्स्ट, पहले फर्स्ट ट्राई टू फोकस ऑन सच बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद आगे हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको नॉर्थ ईस्ट को खास तौर से देख लीजिए। टेक्नोलॉजी पर फोकस एक क्वेश्चन है, मैंने पहले भी इसको दूसरे संदर्भों में कराया है। ऑसिरिस रेक्स मिशन, इसको लेकर दो स्टेटमेंट थे। ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो है, इसने रिसेंटली मंगल ग्रह की सतह पर इसने टच डाउन किया और कुछ वहां चट्टानों के सैंपल्स इसने कलेक्ट करे, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2016 में ऑसिरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था, 10 साल लंबी यात्रा के बाद ये 2026 में पृथ्वी पर वापस आएगा, यानी ये जो रॉक सैंपल एम्पल हैं इनको लेकर पृथ्वी पर 10 साल के बाद वापस आएगा। बताना आपको ये है कि ये दोनों कथनों में से कौन सा सही कौन सा गलत। तो कहानी सिल्वर पेन ने शुरू करी है डी के साथ कि दोनों कथन गलत हैं। अर्चना भी समर्थन कर रही है, युवराज को बी लग रहा है, दूसरा कथन ठीक लग रहा है। ममता ए के साथ हैं। नीरज ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा, ये भी अपनी जगह ठीक है नीरज। अमृता ए कह रही है, दीपक और अजीत डी, अवनीश ए, राघव शुभम डी, और
डी राजा डी, चलिए डी पे बाद में बहुत लोग आ गए तो उनको दिव्य ज्ञान मिल गया कहीं से। देखिएगा डी सही जवाब है, ठीक है, दिस इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मिशन हमने पहले भी करा है, कम से कम पूर्व में किए गए प्रश्नों पर ही। देखिए मिशन क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, दोबारा बता, नासा का मिशन है ऑसिरिस रेक्स, और बेसिकली ये एक एस्टेरॉइड है बेनु, इस पर ये फर्स्ट मिशन था इस तरह का जिसमें किसी एस्टेरॉइड पर ओवरऑल उसने वहां पर टच डाउन किया और एस्टेरॉइड में जो रॉक थे उनके सैंपल को कलेक्ट किया और वो वापस उसको लाने की प्रक्रिया है। तो ये मार्स से इसका कोई रिश्ता नहीं, मंगल ग्रह से कोई रिश्ता नहीं है, ये बिल्कुल ऑसिरिस रेक्स, कोई मार्स मिशन वैसे ही बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, पॉपुलर तो ऑसिरिस भी है क्योंकि फर्स्ट ऐसा मिशन था जिसने किसी एस्टेरॉइड को टच किया। बेनु क्या है, बेनु एक बहुत प्राचीन एस्टेरॉइड है जो कि अभी 200 मिलियन मील दूर है पृथ्वी से, और ओवरऑल इसको बी टाइप एस्टेरॉइड कैटेगराइज किया गया है। आज तक तो नहीं पूछा ए बी सी टाइप एस्टेरॉइड क्या है, लेकिन जब आप एस्ट्रोफिजिक्स अगर पढ़ें तो वहां पर इसको जान लें तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आगे ऐसे भी प्रश्न बनाऊं, लेकिन संकेत मैं करता चलूंगा कि अब जो बचा हुआ समय है उसमें आपको क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। तो एस्टेरॉइड जब पढ़िए तो उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बी टाइप का एस्टेरॉइड है और ये इंप्लाई करता है कि बी टाइप के एस्टेरॉइड में कार्बन और बाकी जो मिनरल्स हैं उनके सिग्निफिकेंट अमाउंट होते हैं, तो अगर सैंपल को वापस लाएगा तो यही चेक होगा कि क्या क्या इसमें है। अमेरिका का पहला एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है, ये एस्टेरॉइड पे सैंपल कलेक्ट करा और वापस लेकर आया, इस तरह का पहला मिशन है यूएस का, इसलिए ओसिरिस रेक्स इंपॉर्टेंट है ये चीज है। ऑसिरिस रेक्स इसका फुल फॉर्म, ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर, ये स्पेसक्राफ्ट है जो 2016 में लॉन्च किया गया था। 7 साल सामान्यतः इसकी जो जर्नी है उसको माना गया, और जब ये कम से कम 60 ग्राम सैंपल्स कलेक्ट कर लेगा वहां पर तो माना जाता है कि 2023 तक ये पृथ्वी पर वापस इसको जा सकेगा। तो ये पूरा यहां पर मामला। अगला सवाल देखिए, मैक्स 6478, मैक्स 6478 खबरों में था, ये क्या है, निम्नलिखित चीजों में से क्या है। सर पेपर आउट कर दिया मैंने, लेकिन हाँ वही मैं कह रहा हूं, जिसमें पेन नहीं आ रहा है। चलिए तो ये तो आंसर आपको पता है, ठीक है, तो इसको करने का मतलब नहीं है, तो इसको जान लीजिए। मैक्स 6478 ये वीट की, गेहूं की एक वैरायटी है, खबरों में थी क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ गांवों में देखा गया कि इसकी वजह से जो उपज है, यील्ड है जो, वो डबल हो गई, ठीक है। तो ये आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी बड़ा न्यूज में रहा है अलग अलग मुद्दों की वजह से, कई मुद्दे हमने इसमें हल भी करे हैं, तो जैसे वो लोनार लेक वाला मामला था, ठीक है। तो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने
इसको MAX6478 इस प्रजाति को डेवलप किया है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्वायत्त शासी संस्था है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम कर रही है। फार्मर्स इस प्रजाति को बोने के बाद उनकी जो उपज है वो 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखी गई, और जो न्यू वैरायटी है, पुरानी जो परंपरागत प्रजातियां थी उसमें 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर खाली मिलता था, यहाँ डबल ऑलमोस्ट हो गया। तो इसीलिए न सिर्फ हाई यील्डिंग ये वैरायटी है और 110 दिन में मेच्योर हो जाती है, उपज आपको मिल जाती है। साथ ही एक और गुण कि इसमें लीफ और स्टेम रस्ट, ये जो वीट गेहूं को जो रोग लगते हैं उसमें सबसे बड़े रोग हैं लीफ और स्टेम रस्ट, उससे भी ये प्रभावी आपको थोड़ा सा रक्षा देती है। तो ये सारे गुण MAX6478 वीट की वैरायटी है, इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कुपोषण भारत के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ा इश्यू है, तो कुछ कुपोषण संबंधी संकल्पनाएं और उसके आगे उसका अर्थ लिखा हुआ है, आपको सही इनमें से ढूंढना है। कुपोषण क्या होता है? अंडर नरिशमेंट, आबादी का वो अनुपात जिनको पर्याप्त जो कैलोरी मिलनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है, उसको हम कहते हैं कुपोषित लोग। वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? वेस्टिंग, वो बच्चे 8 वर्ष से कम उम्र के जिनका हाइट लंबाई के हिसाब से वजन कम हो, इसको वेस्टिंग कहते हैं। तीसरा है स्टंटिंग क्या होता है? वेस्टिंग स्टंटिंग ये मैल नरिशमेंट के सबसे बड़े दो वो हैं। स्टंटिंग का मतलब है 5 साल से कम उम्र के वो बच्चे जिनका अपनी आयु के हिसाब से हाइट कम है, लंबाई कम है, एज के हिसाब से उनको कहते हैं स्टंटेड बच्चे। वेस्टिंग में सेकेंड स्टेटमेंट था 8 साल से कम के बच्चे जिनका हाइट के हिसाब से वजन कम हो, और चाइल्ड मोर्टैलिटी शिशु मृत्यु दर, इसको इसका मतलब होता है कि वो मृत्यु दर उस 8 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु दर है उसको चाइल्ड मोर्टैलिटी कहते हैं। इनमें से आपको सही गलत जवाब ढूंढना है। ममता ने नहीं, युवराज ने शुरू किया मामला सी के साथ, रोहित भी सी कह रहे हैं, अमृता ए कह रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज क्वेश्चन नंबर आगे लिखा करिए। अमित भी कह रहे हैं, प्रीति शुक्ला भी कह रही हैं, श्रद्धा तिवारी सी कह रही हैं, ममता सी कह रही हैं, अवनीश भी, अजीत सी, ए राजा ए, सिल्वर पेन बी, रौनक ए, दीपक सी। चलिए, ए बी सी के बीच कहानी घूम रही है, इसका आंसर था सी। बात को समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अंडर नरिशमेंट बिल्कुल सही बात है, ये सही था, आबादी का वो अनुपात जो सफिशियंट जिनको कैलोरी नहीं मिल रही है। वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है 5-8 साल नहीं होता, 5 साल हर चीज कुपोष। एक U5MR भी ध्यान रखिएगा, अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट। तो जब समाज में देखना होता है कि जच्चा बच्चा मतलब दोनों के स्वास्थ्य संकेतकों का आकलन, तो 5 वर्ष एक आदर्श है, उस 5 वर्ष तक की आयु के कितने बच्चे टोटल कितने पैदा हुए, उसमें कितने 5 वर्ष की आयु को क्रॉस कर पाए, दिस इज अ बिग इंडिकेटर फॉर एनी सोसाइटी कि हाउ हेल्दी इज द सोसाइटी, हाउ गुड आर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो सारी चीजें, तो वेस्टिंग में 5 साल की कम आयु के बच्चे, 5 साल तक के बच्चे जिनका हाइट के हिसाब से वजन कम हो, तो वो तो सही था, हाइट के हिसाब से वेट, एज गलत उसमें लिखी थी, और इसको सीवियर अंडर न्यूट्रिशन माना जाता है। ठीक है, ओवरऑल इसको देखना चाहिए। चाइल्ड स्टंटिंग, वो बच्चे 5 साल के ही कम उम्र के जिनकी उम्र के हिसाब से हाइट कम हो, तो अगर हाइट के हिसाब से वेट हो तो वेस्टिंग, ठीक है, WW आप ऐसे भी देख सकते हैं, और अगर ओवरऑल एज के हिसाब से हाइट कम हो तो उसको स्टंटिंग कहते हैं। और मोर्टैलिटी आपको पता ही है कि 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका जो अनुपात है मृत्यु का,
उसको हम बाल मृत्यु दर के हिसाब से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यार, वो थोड़ा सा इतना समय का चक्र रहता है। आज किसी तरह काम चला लो, मैं कल से पक्का इसको। वाजिब बात है, सवाल कट रहा है तो हम कैसे अटेम्प्ट करें। मुझे एक्चुअली लेफ्ट और राइट वाला मामला हो जाता, क्लियरली दिख नहीं रहा है। चलो एक काम करते हैं कि चूंकि आप देख नहीं पा रहे हैं तो मैं रोक सकता हूं क्लास। अभी हमारे पास 5 मिनट और हैं वैसे, लेकिन अगर दिक्कत है तो मैं फिर कल इसको स्लाइड्स को थोड़ा अच्छे से ऑल्टर करके कि आपको सवाल देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं आज यहीं रोक देता हूं। कल मैं थोड़ा स्लाइड्स पर ध्यान दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए, कोई नहीं, वैसे भी समय हो रहा तो ये सवाल एक कर लेते हैं। इसमें तो आप कर सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट तो देखिए कट नहीं रहा है, ठीक है, और ऑप्शंस करेक्ट है इसमें। यहाँ पे जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट नहीं लिखा है। देखिए दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो 300 गुना ज्यादा खतरनाक है CO2 की तुलना में। अब ऑब्वियसली खतरनाक की बात है, यहां तो लिखा है पोटेंट, पोटेंट का मतलब है ज्यादा खतरनाक। तो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का इंपैक्ट है। तो क्या नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना ज्यादा खतरनाक होती है? और सेकंड, नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में 125 वर्ष तक बनी रह सकती है, तो ये इसका और विनाशकारी एक प्रवृत्ति है। दो स्टेटमेंट थे, आपको इसमें सही जवाब बताना है, इसको बताइएगा। दुर्भाग्य से मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है, तो मैं आपके उत्तर भी देखने की स्थिति में नहीं हूं अभी इस वक्त। मैं अंदाजे से 30-40 सेकंड देकर आपको फिर मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, अब जो भी आपने इसका जवाब दिया हो, मैं देख नहीं पा रहा हूं। इसका जवाब है बी, और इस बात को समझिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है डेफिनेटली, जो 300 गुना ज्यादा खतरनाक है CO2 की तुलना में। थर्ड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सारी हरित ग्रह प्रभाव वाली गैसेस में, अमंगस्ट ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस द मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज दैट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ऑब्वियसली द हाईएस्ट वन इज CO2, द सेकेंड हाईएस्ट इज मीथेन, थर्ड वन इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो द ओनली रिमेनिंग थ्रेट टू द ओजोन लेयर। हालांकि अब ओजोन होल की प्रॉब्लम उतना बड़ा थ्रेट नहीं है जैसा कि 80s में डिस्कवर हुआ था, फिर मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट हुआ, बट स्टिल ये एक प्रॉब्लम तो है ही, कभी भी अगेन इट कैन इमर्ज। तो नाइट्रस ऑक्साइड, सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन ही कर दिया, और क्लोरीन रिलेटेड मॉलिक्यूल्स दे आर नो लॉन्गर वेरी पॉपुलर इन यूज। तो अब जो सबसे बड़ा खतरा आपकी ओजोन लेयर के लिए है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे टाइम तक ये एक्यूमुलेट रहती है CO2 की तरह, और सीवियर डैमेज कर सकती है। ये बात भी सही है कि 125 साल तक करीब वायुमंडल में रह सकती है। अगर ग्लोबल कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स की बात करें तो ये पहले 270 पार्ट्स पर बिलियन हुआ करती थी, जब बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अराउंड द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी 1750 की बात करते हैं, लेकिन 2018 तक ये बढ़कर 331 पार्ट्स पर बिलियन हो चुकी है, दैट इज द जंप ऑफ 20%। और फिर इसकी जो विनाश की क्षमता है 300 गुना ज्यादा CO2 से, आप समझ सकते हैं कि 20% ज्यादा इसका एक्यूमुलेशन क्या नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये पिछले 5 दशकों में करीब सबसे ज्यादा ग्रोथ नाइट्रस ऑक्साइड की देखी गई, और इसके पीछे कोई प्राकृतिक रीजन नहीं है,
बल्कि जिसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, है ना, मैन मेड जो रीजंस हैं, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, तो आप इस बात को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरी कथा थी, आज यहीं रोकते हैं बात को। मेरा फोन ऑफ हो गया है, मैं कनेक्टेड नहीं हूँ आपसे, चार्जर मेरा 15 फ्लोर ऊपर है, मैं 8 फ्लोर पे अभी बैठा हूँ, 23rd फ्लोर पे मेरा घर है, तो मैं चार्जर ला भी नहीं सकता। कोई नहीं, 45 मिनट हमारे हो भी गए ऑलमोस्ट। कल तो अच्छा, कल तो क्लास नहीं, मैं देखता हूँ अगर कुछ जुगाड़ निकला तो मैं कल भी एक सेशन आपका ले लूंगा, नहीं तो फिर मंडे को मिलेंगे, और मंडे टू फ्राइडे हम मिलते ही हैं। कोशिश करें कि लगातार प्रीलिम्स तक कुछ चीजों को ऐसे ही हंसते खेलते सीख लें, तो शायद कुछ स्थिति, शायद क्या निश्चित ही, जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे स्थिति बहुत बेहतर होगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मजे करिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।